أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحبذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا वो ऐसे हैं कि तुम पर उताद पढ़ने के मंतजर रहते हैं फिर अगर तुम्हारी फतेह मंजा नबिल्ला हो गई तो बातें बनाते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ न थे और अगर काफिरों को कुछ हिस्सा मिल गया तो बातें बनाते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब न आने लगे थे कि तो हमने तुमको मुसलमानों से बचाया नहीं बचा नहीं लिया सो अल्लाह ताला तुम्हारा और उनका क़यामत के दिन अमली फ़ैसला फरमा देंगे और उस फैसले में हरगिज़ अल्लाह ताली काफिरों को मुसलमानों के मुकाबले में गालिब न फरमाेंगे सूर निशा की एक सौ इकतालीस नंबर की आयत पढ़ी गई कल आपके सामने अर्ज किया गया था कि अल्लाह ताली ने मुसलमानों को किसी ऐसी मजलिस में शिरकत से मना फरमाया जिसमें अल्लाह ती तोन और रसूल सल्लाम का मजाक और कुरानी आयात का किया जाता हो अगर कोई आदमी रजा के साथ उस मदरस में शरीक हुआ तो अल्लाह ताला उसको भी उसी में शरीक कर देंगे उसी में उसका शुमार हो जाएगा और अगर कोई दावत व तब्लीग की नीयत से ऐसी मदलिस में शरीक हुआ तो ऐसी मदलिस में दावत व तब्लीग की नीयत से शरीक होना इबादत है रजामंदी के साथ शरीक होना ये हराम है तो एक और बात लिखी है वो ये कि इस मसले इस आयते करीमा से ये मसला निकाला है कि किसी ऐसी मजलिस में शरीक होना हराम है जिसमें शराब नोशी का या किसी हराम काम का इरतक हो रहा हो चुनाच रसूल ने शाह शरमाया ऐसा मोमिन आदमी जो अल्लाह पर और और आखरत के दिन पर यकीन रखता हो अल्लाह पर और आखरत के दिन पर यकीन रखता हो उसके लिए किसी ऐसी मजलिस में शरीक होना हराम है जहाँ हराम काम होता है जैसा कि शराब वगैरह का दौर चल रहा हो इसी तरीके से किसी ऐसी शादी में शरीक होना और उसमें जा कर के खाने में शिरकत करना जिसमें शरीयत के खिलाफ काम हो रहा हो गाना बजाना डांस वगैरह हो रहा हो ऐसी शादी में भी शरीक होना मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है तो अबू बकर जस्साद रहमतुल्लाह आ फरमाते हैं कि इस आयचे कर यानी कल की बात बता रहा हूँ कि ऐसी मजलिस में शरीक होना हराम है और ऐसी मजलिस में शिरकत के साथ शरीक होना तो हराम है लेकिन उसको जा कर के रोकना उस ऐसी मजलिस में जहाँ पर कुरानी आयात का इस्तेजा हो रहा हो अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया जा रहा हो उस काम से रोकना ज़रूरी है फ़र्ज वाजिब है और अगर उसको रोकने पर कोई कादिर ना हो तो उससे इजहार बेजारगी यानी उससे नफरत का इजहार करना कम से कम ये ज़रूरी है ये आयत करीमा जिस वक्त आपके सामने पढ़ी गई है एक सौ इकतालीस नंबर उसके अंदर अल्लाह तै ने मुनाफिकों का जिक्र किया है ये मुनाफिक कम वक्त लोग ये कहीं कभी नहीं थे बदअमल मक्कार, फरेबी धोखेबाज और ये जो है दोगली पॉलिसी खेलने वाले जिसको हम लोग कहते हैं दोगलापन इसके अंदर यही दोगलापन था ये लोग मुसलमानों को मुसलमानों की शिकस्त के मुंतजर रहते थे और इसका इंतज़ार करते रहते थे मुसलमानों को शिकस्त हो जाए दिल से ये लोग ख्वाहिश करते थे और अगर मुसलमानों को फतह हो जाती थी तो ये मुसलमानों के पास चले जाते थे कि देखो हम तुम्हारी फतह के लिए तुम्हारा हमने साथ दिया तुम्हारे साथ हमने लड़ाई की और काफिरों को मरूब किया जो माले गनीमत तुमको मिला है उसमें हमारा भी हिस्सा लगाओ तुम तुमको जो फतह मिली है वो हमारी कोशिश से मेहनत से तुमको फतह मिली है तो उसके अंदर हमारा भी हिस्सा लगाओ और अगर खुदा न खास्ता कभी काफिरों को फतह मिल गई तो काफिरों के पास चले जाते थे कि देखो हमने तुमको मुसलमानों से बचाया और तुमको जो है शिकत हमने नहीं होने दी और तुमको जलील रसवा होने से हम लोगों ने बचाया मतलब ये है कि उसमें जो माल मिला है माल गनीमत में हमारा भी हिस्सा दो इसका यही काम था जिंदा ये चैन से नहीं बैठते थे ना तो खुद चैन से बैठते थे और ना किसी दूसरों को चैन से बैठने देते थे, थे। हम वक्त इसी कोशिश में मेहनत में लगे रहते थे, थे। कि एक तो मुसलमानों को जिल्लत और रसवाई उठाना पड़े मुसलमानों को जो है शिकस्त हो जाए काफिरों को गरबा हासिल हो जाए काफिरों के पास जाते थे दोनों की नज़र में ये महबूब बनना चाहते थे मुसलमानों से भी ये जो है वो होना नहीं चाहते थे बुरा बनना नहीं चाहते थे और काफ़िरों नज़र में भी बुरा बनना नहीं चाहते थे कि अगर मुसलमानों को आगे चल कर कर के गरबा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की बदनामी हो जाए और आगे चल के काफिरों को गरबा हो जाए तो हम काफ़िरों नज़र में क्यों गिरें ये हर वक्त इसी कोशिश में लगे रहते थे रात दिन किसी किस तरफ जाना मुसलमानों की तरफ रहें या काफिरों की तरफ रहें कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के मुसलमानों को गरबा हो जाए फिर हमको परेशानी होगी और आगे चल कर कहीं काफिरों को गरबाना हो जाए अल्लाह तला कि ऐसे काफिरों को और ऐसे मुनाफिकों को अल्लाह ताला तो कयामत के दिन जमा करेंगे दोजक में एक साथ तो डालेंगे लेकिन मुसलमानों के लिए खुशखबरी इस आयत करीमा का ख़ीर में ये जो बताया गया कि अल्लाह ताला मुसलमानों को बहसीयत मुसलमान कभी भी काफिरों के मुकाबले में मकलूब नहीं करेंगे यानी मुसलमानों का नाम व निशान नहीं मिटाएंगे ये अलग बात है मुसलमान बदाममली की वजह से शरीयत की खराब वर्जी की वजह से मुसलमान कमज़ोर हो जाएं दुनिया के अंदर उनको शिकत मिल जाए लेकिन कभी भी काफिरों के मुकाबले में न तो दुनिया के अंदर मिटाएंगे बाहसीत मुसलमान यानी मुकम्मल तौर पर कभी मुसलमानों का सफाया नहीं होगा और नयामत के दिन मुसलमानों को अल्लाह ताली जरि रसवा करेंगे और काफिरों को मुसलमान काफिरों के मुका आ, काफिरों के मुकाबले में अल्लाह ताला मुसलमानों को जरि रसुवा नहीं करेंगे और दुनिया के अंदर भी बाहसीियतें मुसलमान मुसलमानों का सफाया नहीं करेंगे ये अलग चीज़ है कि मुसलमानों को कमजोरी आ जाए बदअमरी आ जाए मुसलमानों को कभी शिकस्त हो जाए जैसा कि कभी कभी हुआ भी और हो भी रहा लेकिन बाहसीियत मुसलमान मुसलमानों का नाम और निशान कभी भी क़यामत तक नहीं मिटाया जाएगा मुसलमानों का वजूद कयामत तक रहेगा लेकिन काफिरों को कभी भी मुसलमानों पर गालिब मुकम्मल तौर पर नहीं करेंगे अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को मुकम्मल चलिए अमर पैरा होने की तोहान